ओके, रिसेंटली मैंने ये गैलेक्सी फोल्ड 4 लिया था एंड इसके साथ में मुझे गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक मिलने वाली थी। तो मेरे पास ऑलरेडी वॉच 4 है तो मतलब यार वॉच 4 क्लासिक लेकर कोई मतलब है नहीं। एंड अभी जस्ट रिसेंटली सैमसंग ने ये गैलेक्सी बड्स 2 प्रो लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा तारीफ मैं सुन चुका हूँ भाई, ये प्रो सीरीज़ है इनकी सेकेंड जनरेशन वाली। सो भाई मैंने सोचा यही वाला लेते हैं, तो घड़ी के बदले मैंने ये ले लिया। कुछ एक्स्ट्रा पैसा मेरे को पे करना पड़ा। ओवरऑल भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मैंने इसकी तारीफ सुनी है, तो हमने ले लिया। हमारे पास आ चुका है ये सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो। चलो टेस्ट करते हैं, देखते हैं एक्चुअल रियलिटी क्या है। सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द अनबॉक्सिंग एंड माय फुल रिव्यू ऑफ दिस सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो। सो लेट्स बिगिन। गाइज ये है बॉक्स, काफी छोटा सा। जी हाँ, ये छोटा सा बॉक्स 18,000 रुपए का है भाई। देख लो ये छोटा सा बॉक्स 18,000 रुपए का। भाई मेरे पास ये वॉच 4 क्लासिक है और ये फोल्ड है, तो मतलब एक छोटा सा मेरे पास इकोसिस्टम बन गया है, आई मीन सैमसंग का। चलो ओपन करता है भाई। यहाँ पर इधर पे कुछ फीचर्स है, अल्टीमेट हाई फाई साउंड, 2-वे स्पीकर्स, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, कंफर्टेबल फिट। डू नॉट वरी गाइज, डू नॉट वरी। आई होप कि भाई ये मेरे फेवरेट ईयरफोन बन जाए। फिलहाल मेरे फेवरेट TWS जो है वो OnePlus के बड्स G2 है। ओ भाई नाइस। ये पर्पल कलर अभी बहुत छोटा है भाई, ये तो एक बहुत ही ज्यादा छोटा है जो इसका केस है। ओ भाई क्या क्वालिटी है, डैम क्वालिटी इज नेक्स्ट लेवल। पूरा इधर पे भी मैग्नेटिकली इधर पे स्नैप होता है एंड इधर पे भी स्नैप होता है। अंदर जाते हैं तो यहाँ पर काफी बड़ी USB-C to USB-C केबल हमको देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। एंड तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। यस, बेसिक पेपर वर्क है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बर्ड्स। हम ये ओपन करते हैं। आई होप यहाँ पर फास्ट ओ आ गया। नाइस, क्या फास्ट आया। लेकिन कनेक्ट पूरा एनिमेटेड है सब कुछ। सो एक काम करता हूँ, मैं इसको कुछ दिन यूज करता हूँ, बैटरी लाइफ वगैरह सारी चीजें टेस्ट करेंगे, फिर मैं आपके सामने आता हूँ। सो नाउ गाइज इट्स बीन मोर देन 40 डेज सिंस आई एम यूजिंग दिस ईयरफोन। आई हैव टू से आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, स्पेशली साउंड क्वालिटी को लेकर तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। लेकिन मैंने यूट्यूब पर इसकी इतनी तारीफ सुन ली थी ना, मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो गया था भाई। इतनी ज्यादा तारीफ कोई क्यों करता है प्रोडक्ट की, तो मेरे को थोड़ा सा माइंड में ऐसा आ रहा था कि भाई अजीब सा हो सकता है, बट ठीक है मैंने मंगा लिया भाई। एंड पिछले 40 दिन यूज करने के बाद अभी देखो कंडीशन देखो फिलहाल, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है भाई ज्यादा यूज्ड। हल्के फुल्के स्कफ्स हैं लेकिन कम, बहुत कम। जैसे यहाँ पर हल्के फुल्की गंदगी है और स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल ना के बराबर मेरे को देखने को मिले। देखो हल्का सा यहाँ पर एक छोटा सा मार्क है, मतलब विजिबल भी नहीं है। बहुत ध्यान से देखो तो विजिबल है, काफी क्लीन है। बेसिकली इसके ऊपर आपको यूसेज मार्क्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये सॉफ्ट प्लास्टिक में बना हुआ है, रबर टाइप का। और ये जो जामुनी कलर है भाई पर्पल वाला, बहुत ज्यादा प्यारा दिखता है भाई। क्या लुक आता है देखो, बहुत बेहतरीन दिखता है। इवन जो ईयरबड्स है इंडिविजुअल, ये भी बहुत अच्छे दिखते हैं। मतलब इसमें सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है, मतलब हल्का सा है सॉफ्टनेस, लेकिन इसका जो सॉफ्टनेस है ना वो ज्यादा है भाई। ये पर्पल कलर तो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया। एंड इवन जो इसकी ओवरऑल क्वालिटी है हिंज वगैरह की, मतलब मैग्नेट है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा बैठता है और बहुत अच्छा फील भी होता है। हाथ के अंदर आप लोग ना, आपको लगेगा कोई प्रीमियम प्रोडक्ट आपने पकड़ रखा है। खाली एक चीज की मेरे को कमी लगी भाई, इसके अंदर बटन नहीं दिया उन लोगों ने पैर करने के लिए। तो आपको रीसेट करने के लिए, जैसे कोई दूसरे डिवाइस में पैर करना, एक बार पैर हो गया तो ये दोनों को दबा के रखना पड़ता है, टच करके रखना पड़ता है कुछ देर, फिर वो पैरिंग मोड में जाता है। तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। बटन वाला रहता तो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी तो इधर पे एक LED है, इधर पे भी एक LED है। ये LED दोनों मतलब इंडिकेटर दिखाती है। ये जो है ये अंदर का ईयरबड्स की चार्ज हो रही कि नहीं हो रही वो दिखाता है, और ये ईयरबड्स बाहर का डब्बे में कितनी चार्जिंग है वो दिखाता है। मतलब अभी देखो रेड जल रहा है, मतलब बाहर के डब्बे में चार्जिंग कम है। बाकी ये जो ईयरबड्स है इंडिविजुअल, ये सिर्फ 5.5 ग्राम्स के है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। जब इनिशियली मैंने लिया ना भाई, तो मेरे को एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल और एक्सट्रीमली इरिटेटिंग लगे। बिकॉज मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, जब ऐसा कान में लगाता हूँ ना मैं, अभी देखो कैसा अंदर घुस गया ये वाला पार्ट। लेकिन जब ये अंदर रहता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में ऐसा पहन के रख सकता हूँ। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, इसको इतना ही छोड़ता हूँ। ये जो बाहर का पार्ट है थोड़ा सा बाहर रहता है, तो इतना रहता है ना, तो मेरे को काफी कंफर्टेबल रहता है। मैं लॉन्ग आवर्स के लाइक 2-3 घंटे कंटिन्यूअसली पहनूंगा ना। 2-3 घंटे क्या, मैंने 4-4 घंटे भी कंटिन्यूअसली पहने हैं, लेकिन इतना ही, ज्यादा अंदर नहीं। इसको और अंदर घुमा के, मतलब इट इज सपोज टू गो लाइक दिस, बट ऐसा ना मेरे को, मेरे कान में बहुत ज्यादा दुखता है। बाकी अगर आपके कान बड़े होंगे तो आपके कान में कंफर्टेबल बैठेगा। और आप ईयर टिप्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। मैंने चेंज किया, ये वाला मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, मीडियम वाला। लेकिन ये पूरा अंदर में अगर डालता हूँ ना, तो फिर बहुत अनकंफर्टेबल होने लगता है और बहुत कान भी दुखने लगता है। तो आपके कान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई इतना भी जाने के बाद ऐसा कुछ इशू नहीं लगता है, मतलब गिरने का डर नहीं रहता। मैं जिम वगैरह करता हूँ भाई ईयरफोन को पहन के, जॉगिंग वगैरह करता हूँ, मतलब इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आई, विच इज वेरी नाइस। बाकी अब हम मेन एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है इसकी साउंड क्वालिटी। एंड भाई यहाँ पर आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस, लाइक सीरियसली। स्टार्टिंग में पहले लिया, एक दो दिन चलाया, मैं बोला यार ये अजीब सा साउंड क्यों आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर एक दो दिन मैंने इसे छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया इन द सेंस बजने के लिए छोड़ दिया, बैटरी वगैरह मैं टेस्ट कर रहा था। तो वो बर्न इन होता है ना स्पीकर का, जो अंदर का जो वो रहता है, उसके बाद में उसकी जो असली पावर आती है वो इसके अंदर फील आती है। मतलब बड़े हेडफोन में तो ज्यादा बर्न इन वगैरह करना पड़ता है, छोटे हेडफोन में तो जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक दो दिन तो मेरे को अच्छा नहीं लगा इसका साउंड उतना ज़्यादा, मतलब आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई बहुत अच्छा है, लाइक एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा बेटर है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैं जिम वगैरह में लेके जाना स्टार्ट किया इसको, गाने जिम वगैरह में सुनने लगा, जो बीस हैवी सॉन्ग होते हैं एमिनम वगैरह के, भाई उसके बाद आई एम लाइक वाओ क्या बेहतरीन साउंड है इसका। जो सेपरेशन है एकदम क्लियरली आपको फील होता है सेपरेशन की, लाइक इधर पे सितार बज रहा है, इधर नीचे ड्रम बज रहा है, और बेस एकदम पंची, एकदम ज़बरदस्त। इवन जो वोकल्स है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से निकल के आते हैं। तो ओवरऑल जो साउंड सिग्नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। अब इन लोग है ना सैमसंग वाले लोग, जो ये सैमसंग गैलेक्सी वेयर एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमको थोड़ा सा सेटिंग ऑफर करते हैं इक्वलाइजर की। तो इसके ऊपर एक ये वाला ऑप्शन आता है क्लियर वाला, तो क्लियर पर मैं रखता हूँ ताकि मेरे को वोकल ज़्यादा पसंद है। नॉर्मल पे भी वोकल्स अच्छे आते हैं, लेकिन हल्के से ना जो बेस है और जो ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज है उनके अंदर वोकल्स थोड़े से दबे दबे से फील होता है। तो मुझे क्लियर पे रखना पसंद आता है, बिकॉज मुझे ना पॉडकास्ट और मूवीज में वोकल्स वगैरह बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बेस बूस्ट पे लगा दो, वोकल्स वगैरह हल्के से दब जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बेहतरीन, लाइक नेक्स्ट लेवल वेरी हाई क्वालिटी बेस आपको फील होगा। इसके अंदर 24-bit हाई-फाई ऑडियो का सपोर्ट भी है, जो मैंने पर्सनली ज्यादा यूज नहीं किया। ओवरऑल जो नॉर्मली जैसे नॉर्मल यूज कर रहा हूँ बिना कोई स्पेशल ऐप को डाउनलोड किए, जैसे मैं यूट्यूब म्यूजिक में डायरेक्टली म्यूजिक सुनता हूं, तो उसके हिसाब से भाई साउंड क्वालिटी वाज रियली रियली गुड। मेरे को तो बहुत इंप्रेसिव लगा। लाइक मैं साथ ही साथ ये भी यूज करता हूं अपना एयरपॉड्स प्रो, ये बहुत ज्यादा मिड हैवी है, मतलब वोकल्स तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन बेस वगैरह मजा नहीं आता। मतलब मैं अगर जिम जाता हूं ना तो मैं जिम में ये यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इसके अंदर इतना कम बेस है ना कि फील ही नहीं आता भाई, मजा ही नहीं आता। मतलब अब जिम में कैसा अगर थंप आता है तो फील आता भाई, मतलब वर्कआउट करने का, तो वो चीज यहाँ पर थोड़ा सा मिस लगता है लाइक एयरपॉड्स में, जो यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाइक बाकी इसके अंदर ये वाला एप्लीकेशन भी आता है सैमसंग का वेयरेबल करके है, और उसमें बर्ड्स 2 प्रो का करके आपको एक एक्स्ट्रा डाउनलोड करना पड़ेगा। अब वियर्ड सी चीज है, सैमसंग का फोन मैं जब फोल्ड 4 यूज कर रहा था उसमें सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था भाई, और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी थे। जैसे यहाँ पर फाइंड माय ईयरबड्स में आपको मैप वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर सिर्फ आप बजा के ईयरफोन को अगर घर में कनेक्टेड हो तो ढूंढ सकते हो, मैप वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो अगर आपका सैमसंग का फोन है तो उसमें आपको देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जैसे मैं ईयरबड सेटिंग्स में गया, लैब्स में गया ना, तो यहाँ पर लो लेटेंसी वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है गेमिंग मोड, वो सैमसंग के फोन में मिलता है, इसके अंदर नहीं है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज है, लाइक ये चीजें तो होनी चाहिए। और एक बड़ा प्रॉब्लम, लाइक मैं रियलमी का फोन यूज कर रहा था और रियलमी के फोन में ये वेरिएबल वाले पार्ट पे गया, इसमें स्कैनिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, ये स्कैनिंग हो रहा था और ये स्कैनिंग पे ही हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली स्कैनिंग हो रहा है, ये ले ही नहीं रहा है, मतलब इसके अंदर ये डिवाइस दिख ही नहीं रहा, विजिबल ही नहीं हो रहा। तो बहुत अजीब सी चीज है, ये बग मेरे को लगा। बाकी मैंने बहुत अच्छे से यूज किया, ये जो एप्लीकेशन है ये काफी मस्त है भाई, टू बी ऑनेस्ट। मतलब बहुत सारे हमको यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहले तो देखो ये जो ईयरबड्स है इसके ऊपर टच कंट्रोल्स है, एक बार टच करोगे, दो बार टच करोगे, तो अलग अलग टच का सिस्टम दिया हुआ है। जैसे टच एंड होल्ड करके रखोगे तो ये एम्बिएंट मोड और जो नॉइस कंट्रोल है वो सारी चीज आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर देखो जैसे टैप करोगे तो प्ले एंड पॉज का ऑप्शन है, डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट टैप का ऑप्शन है, लेकिन उसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो वो अच्छी चीज नहीं लगी मुझे। खाली ये आप टच एंड होल्ड को थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो। 18,000 रुपए का है और 18,000 रुपए में हमको एयरपॉड्स प्रो भी देखने को मिलता है, बट ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के मामले में नेक्स्ट लेवल पे है भाई, मतलब उसकी अलग ही लीग है, उससे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है इसका। जितना इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है ना, उतना एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आज की डेट में जैसे OnePlus Buds Z2 है जो 5,000 रुपए के ईयरबड्स है, और एक दो ईयरबड्स है उसके लेवल का नॉइस कैंसलेशन है, मतलब बहुत हाई एंड नॉइस कैंसलेशन नहीं है। मतलब ठीक है, ऐसा काम चल जाएगा आपका, लेकिन एयरपॉड्स का नॉइस कैंसलेशन बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है फॉर श्योर। इवन ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज्यादा नेचुरल एयरपॉड्स में फील होती है कंपेयर टू दिस वन। इसका ट्रांसपेरेंसी उतना भी देखो, ट्रांसपेरेंसी ऑन है लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ पहन रखा है, एयरपॉड्स में लगा लो ना तो गायब हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कुछ पहना हुआ, एकदम गुल हो जाता है माहौल, तो वो बहुत सही रहता है। बाकी ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, जैसे सेटिंग्स में गए ईयरबड सेटिंग में, यहाँ पर आपका ईयरबड का फिट टेस्ट कर सकते हो, जो आपकी नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट लाउड करना है, मतलब जो आपकी नोटिफिकेशन है वो अगर आपको पढ़ के सुनाए, रीड करके सुनाए कान में, तो वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। एम्बिएंट मोड ऑन कर सकते हो, अगर आपने ये ऑन कर दिया ना तो जैसे कॉल आएगा तो ANC अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो थोड़ा जो प्रेशर है कान के आसपास जो बिल्ड होता है ANC की वजह से वो कम हो जाएगा। प्लस आप थोड़ा सा तेज बात करते हो, जैसे बाई चांस फोन आता है तो आप थोड़ा सा तेज बात करने लगते हो ईयरफोन में, तो ये चालू रहेगा तो आपका आसपास सराउंडिंग का आपको अंदाजा रहेगा ना, तो आप थोड़ा तेज बात नहीं करोगे। इन ईयर डिटेक्शन है, सिमलेस कनेक्शन है, लेकिन ये सिमलेस कनेक्शन काम नहीं करता भाई, ये सिर्फ सैमसंग के फोन में ज्यादा काम करता है। और नेक्स्ट टच रिमाइंडर है, मतलब ठीक है नेक्स्ट टच रिमाइंडर, वो ये एज का है तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया भाई, कुछ काम का नहीं है एज पे, कौन वैसे इतना बड़ा है उस पर कहाँ टैप करो, एज पे ढूंढो, वो मगजमारी है। एक्सेसिबिलिटी में आपको लेफ्ट एंड राइट बैलेंस करना है तो वो कर सकते हो आप। कॉल क्वालिटी वगैरह की बात करूँ तो इसके अंदर 3 माइक्रोफोन है इंडिविजुअल ईयरबड्स में, एंड कॉल क्वालिटी इज रियली रियली गुड। मैं अगर आपको सैंपल सुना दूं तो ये सुनो। अभी जो फिलहाल आप लोग आवाज सुन रहे हो ये इसी से रिकॉर्डेड है। फिलहाल इंडोर एनवायरनमेंट में हूँ। आपने अभी तक जो माइक सुन रहे थे वो ये मेरा प्रोफेशनल माइक्रोफोन था। अब इससे रिकॉर्ड हो रहा है भाई। मैंने अपने भाई को कॉल किया है एंड देखो यहाँ पर कॉल चालू है एंड रिसीवर एंड पे रिकॉर्डिंग चल रही है। मेरे फोन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है फिलहाल, तो देख लो यहाँ पर। तो मतलब आपको ऐसा आइडिया लग जाएगा कि रिसीवर एंड पे अगर आप इंडोर एनवायरनमेंट में रहते हो तो किस तरह की आवाज आती है। अब आउटडोर का भी सुन लो। अभी जो आप लोग आवाज सुन रहे हो ये आउटडोर एनवायरनमेंट में है। मैं फिलहाल आउटडोर में हूँ। यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक का आवन जावन है। ईयरफोन लगा रखे, मैं ज्यादा तेज बात नहीं कर रहा हूँ तो आपको एक आइडिया लगेगा। अगर आप बात करोगे तो सामने वाले के फोन में किस तरह की आवाज आएगी। तो ये जो सैंपल आपने सुन लिया भाई, इवन आउटडोर में भी बहुत अच्छा साउंड आता है। मतलब इसमें स्टेम नहीं है, उसके बावजूद भी आउटडोर का साउंड वगैरह काफी अच्छे से पिकअप करता है। डेफिनेटली जो नेकबैंड्स वगैरह आते हैं उनके लेवल का नहीं है, लेकिन एक TWS के हिसाब से जिसमें स्टेम भी नहीं है उसके हिसाब से बहुत अच्छा साउंड पिकअप करता है। आप इजिली कॉल वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कॉल क्वालिटी बहुत सुपर्ब लगी इसकी। उसके बाद गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ बढ़ू जो है इसका बैटरी लाइफ। यहाँ पर भी आई एम रियली हैप्पी। लाइक एयरपॉड से भी ज्यादा अच्छा जो AirPods Pro है, ये 1 है फर्स्ट जनरेशन वाला, उससे ज्यादा बेटर है। सेकंड जनरेशन मेरे पास है नहीं तो मैंने उसको टेस्ट नहीं किया। गाइस काफी तगड़ी वाली बैटरी टेस्ट किया। देखो फुल वॉल्यूम पे मैं बजाया हूँ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऑन करके। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऑन करके मैं कुछ इस तरह से रख देता हूँ, जैसे इधर रखो तो चार्ज होने लगता है, लेकिन इसको इसमें रख देता था मैं और इसमें रख के मैंने गाने बजाया ऐसा करके, ताकि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी ऑन रहे, ये भी फुल वॉल्यूम पे रहे। तो उसके ऊपर मैंने गाने बजाए हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम मैंने फुल चार्ज किया इसको डब्बे को और ईयरफोन भी अंदर थे, फुल कंप्लीटली चार्ज हो गए। फर्स्ट टाइम 5 घंटा 30 मिनट चला, फिर उसके अंदर वापस डब्बे के अंदर डाला मैंने, वो फिर से चार्ज हुए तो 6 घंटा 35 मिनट चले। वापस डब्बे के अंदर डाल के चार्ज किया तो 7 घंटा 4 मिनट चले। फिर फोर्थ टाइम 6 आवर 32 मिनट्स, फिफ्थ टाइम 2 घंटे में खत्म हो गया और सिक्स्थ टाइम में जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 11 मिनट के अंदर खत्म हो गया। एंड टोटल अगर मैं जोड़ के बताऊँ तो 28 आवर्स मेरे टेस्टिंग में चले हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ साथ फुल वॉल्यूम पे, जो बहुत ज्यादा क्रेजी है। अगर आप ANC ऑफ करके 70% वॉल्यूम के आसपास सुनोगे ना तो आपको 35 घंटे से भी ज्यादा की बैटरी लाइफ मिल सकती है, जो क्रेजी है भाई। ओवरऑल बैटरी लाइफ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, इवन चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छी है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लेटेंसी की बात करूँ तो नॉर्मल टास्क में जैसे वीडियो देख रहे हो आप लोग, गाना सुनने में तो क्या ही लेटेंसी, लेकिन वीडियो वगैरह देख रहे हो कोई भी लेटेंसी मेरे को फील नहीं हुई। लेकिन जैसे ये एंड्रॉइड फोन है पिक्सल 7 में मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर काफी ज्यादा मतलब अगर आप गेम खेलोगे ना तो लेटेंसी देखने को मिलती है, जो मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं आई। लेकिन अगर आपका सैमसंग का फोन है तो उसके अंदर गेमिंग मोड है, उसमें आप यूज कर सकते हो। लेकिन सैमसंग के फोन गेमिंग के लिए बने ही नहीं होते हैं, तो बेसिकली ऐसा समझो कि गेमिंग के लिए नहीं है, नॉर्मल टास्क के लिए ईयरफोन अच्छा है। आपको लेटेंसी नहीं मिलेगा नॉर्मल टास्क में, जैसे वीडियो वगैरह देखना हो गया या फिर कुछ और काम करना हो गया। गेमिंग के लिए उतने खास नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बाकी गाइस एक नॉन सैमसंग फोन में, ये रियलमी के फोन में आप लोग को मैं एक छोटा सा लेटेंसी टेस्ट भी दिखाई देता हूँ। गाइस देखो ये रियलमी के फ़ोन में है, देख लो लेटेंसी। अब ये नॉर्मल फ़ोन के पास, बाकी ओवरऑल अगर बताऊँ तो ये भी 16-17 हज़ार रुपये में आज की डेट में मिल रहा है एंड ये भी 16-17 हज़ार रुपये में आज की डेट में मिल रहा है। तो दोनों में से कौन सा लेना सही रहेगा? टू बी ऑनेस्ट अगर मुझे पर्सनली लेना होता ना तो जैसे अगर मैं एप्पल इकोसिस्टम में हूँ तो मैं एयरपॉड्स लेता, सैमसंग इकोसिस्टम में तो ये लेता। तो वो आपके पर्सनल डिवाइस के ऊपर है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो यही लेना भाई। एंड्रॉयड में एयरपॉड्स बहुत ज़्यादा वाहियात चलते हैं, बिल्कुल भी एयरपॉड्स मत लेना। और अगर आप एकदम डीप इकोसिस्टम में घुसे हो, आपके पास मैकबुक है, एप्पल का आईफोन है, तो आप एयरपॉड्स दे सकते हो। ऐसा खराब नहीं है, लेकिन साउंड क्वालिटी डेफिनेटली इसकी ज्यादा बेटर है, इवन बैटरी लाइफ भी ज्यादा बेटर है। खाली ANC इसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस वन। फॉर द प्राइस ऑफ 18,000 मेरे को थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। जो साउंड क्वालिटी ऑफर करता है उसके हिसाब से काफी अच्छा है। अगर थोड़ा प्राइस और कम हुए, लगभग 10 से 12 हज़ार की रेंज में आएगा ना, बहुत स्वीट डील हो जाएगी और बहुत अच्छा ईयरफोन हो जाएगा। बाकी इतना ही तस्वीर में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।